हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार रबड़ी। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा पानी डालेंगे ताकि दूध सटे ना। अब हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेंगे, इसे अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये हमने 1 लीटर दूध डाल दिया है, अब इसमें उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आ चुकी है, अब हम 1 कटोरी में 1/2 कटोरी गरम दूध निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ धागे केसर के डालेंगे। अब इसे डाल के मिला लें और इसे साइड रहने दें। अब दूध को थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। आप जब भी दूध उबाले उसके पहले आप जिस भी बर्तन में दूध उबाल रहे हो उस बर्तन में पहले थोड़ा पानी डाल दें। इससे क्या होता है, दूध तले में चिपकती नहीं है। अब इसे थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं, तब तक आगे का काम कर लेते हैं हम। अब हम 2 ब्रेड लेंगे, ये व्हाइट ब्रेड है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके साइड के पार्ट को आप हटा दें। साइड के पार्ट को हमने हटा दिया है, अब हम 1 मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे ब्रेड को डाल देंगे। उसके बाद इसे हम पीस लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने ब्रेड को अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। दूध हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है काजू, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, कुछ बादाम लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है, और कुछ पिस्ता लिया है, इसे भी मैंने काट लिया है। अब इसे हम दूध में डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे, ये 7 से 8 टेबल स्पून है। मीठा आप अपने हिसाब से डालें, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा चीनी ज़्यादा डालें। इस तरीके से आप मिला लें। दूध को इस तरीके से चलाते हुए साइड के पार्ट को आप निकालते हुए दूध में मिला लें। अब हमने जो दूध में केसर डाला हुआ था उसे डाल देंगे। इसे डाल के मिला ले। अब हमने जो ब्रेड को पीस के रखा हुआ था उसे डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है और इसे धीरे धीरे डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। हमने सारे ब्रेड को डाल दिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें ब्रेड डाला है तो ब्रेड का टेस्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेड का टेस्ट इसमें नहीं आएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से लच्छेदार रबड़ी बनाएं। इस तरीके से आप चलाते जाए, ब्रेड डालने से बहुत ही कम समय लगता है रबड़ी बनने में। और आप केसर ज़रूर डालें, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से आप चलाते हुए इसे थोड़ा गाढ़ा कर लें।
साइड के पार्ट को आप मिलाते जाए इस तरीके से निकालते हुए। ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है हमारी रबड़ी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं रबड़ी हमारी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए कितनी लच्छेदार बनी है। अब हम इस टाइम पे कुटी हुई इलायची डालेंगे। इसे डाल के मिला ले। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और थिक हो जाएगा। रबड़ी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे बाउल में डाल लेते हैं। ये हमारी लच्छेदार रबड़ी बनके तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितनी लच्छेदार बनी है। ये देखिए आप इस तरीके से रबड़ी बनाए बहुत ही कम समय में बनके तैयार होती है। आप इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे आप रख दे, उसके बाद इसे खाए बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आपके साथ मैं रबड़ी की दूसरी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूंगी। ये देखिए सारी रबड़ी हमने डाल दी है। अब इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स की गार्निश कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से क्या होता है, देखने में थोड़ा और भी अच्छा लगता है। थोड़ा काजू डाला हमने और थोड़ा पिस्ता। अब इसके ऊपर थोड़ा बादाम डाल देंगे। कुछ धागे केसर के डालेंगे। इस तरीके से आप डालें, देखने में थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। अब इसे आप 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख के आप इसे खाए बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार होती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।